दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने गेमिंग के लिए पीसी या लैपटॉप तैयार करवाना चाहते हो, या अगर आप GTA5 या पबजी या इस तरह की कोई और हैवी गेम के लिए अपना लैपटॉप या पीसी तैयार करवाना चाहते हो, उसके लिए आपने लैपटॉप में कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए और आपका बजट कितना होना चाहिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको A to Z गाइड करूँगा। दोस्तों अमूमन देखा गया है कि जिन लैपटॉप या पीसी में GTA 5 चल जाती है, उनमें तकरीबन जितनी भी हैवी गेम होती हैं वो सारी चल जाती हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको A to Z इसी बारे में गाइड करूंगा। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आप सबको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए लाते रहते हैं उस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो। चलिए दोस्तों आज की जो वीडियो इसको स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों आज सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपने लैपटॉप तैयार करवाना है या PC तैयार करवाना है, क्योंकि दोस्तों इन दोनों चीज़ों के भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो आपने ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज ध्यान से सुने और ये ना हो कि आपको बाद में इसका नुकसान हो। दोस्तों अगर आप लैपटॉप तैयार करवा रहे हो तो उसमें ये होगा कि अगर आप लैपटॉप में गेम खेलते हो तो वहाँ पर हीटिंग की जो प्रॉब्लम होगी, लैपटॉप हीट जो आपका करेगा वो PC की नस्बत थोड़ा सा ज़्यादा करेगा। इसके अलावा आपको वहाँ पर बैटरी की भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, आपकी बैटरी की जो लैपटॉप की बैटरी की लाइफ होगी वो भी कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि इंसान जब गेम खेलता है वो तो 1 से 2 घंटे गेम इजीली खेल जाता है, तो इससे आपके जो लैपटॉप की बैटरी है उसकी लाइफ भी कम होने का खतरा है। दोस्तों उसके अलावा अगर आप PC तैयार करवाते हो तो इसमें आपका पैसे कम लगेंगे और लैपटॉप में पैसे ज़्यादा लगेंगे। दोस्तों ये चीज़ें आप माइंड में सोचकर लैपटॉप तैयार करवाएं, ये ना हो कि आपको बाद में इस चीज़ का लॉस हो। दोस्तों इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप PC तैयार करवा लें, अदरवाइज़ ये चीज़ आप पर डिपेंड करती है कि आप लैपटॉप तैयार करवाना चाह रहे हो या PC। तो अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पर जाओगे तो मैं आपको PC ही रिकमेंड करूँगा। दोस्तों अब हम आते हैं कि स्पेसिफिकेशन कौन कौन सी होनी चाहिए अगर आप लैपटॉप या PC तैयार करवा रहे हो, उसके अंदर स्पेसिफिकेशन कौन कौन सी होनी चाहिए। दोस्तों आपको मैं जो स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ ये नहीं है कि इन्हीं स्पेसिफिकेशन के अंदर ही लैपटॉप में जो GTA 5 चलेगी या PUBG चलेगी या और कोई गेम चलेगी। दोस्तों इसके अलावा भी चल सकती है, इससे जो कम स्पेसिफिकेशन वाले लैपटॉप में चल जाएंगी और इससे जो ज़्यादा स्पेसिफिकेशन वाले हैं उनमें भी चल जाएंगी, लेकिन दोस्तों ये जो स्टैंडर्ड है वो यही स्टैंडर्ड है। दोस्तों अगर आप GTA 5 इनसे कम पर चलाओगे चल जाएगी, लेकिन लैग की प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा अगर आप इनसे ज़्यादा चलाओगे उनमें तो चल ही जाएगी, लेकिन अगर आप इनसे कम चलाओगे उनमें चल जाएगी लेकिन जो ग्राफिक की प्रॉब्लम आएगी, इसके अलावा लैग वगैरह की प्रॉब्लम उनमें देखने को आपको मिलेगी। लेकिन दोस्तों ये स्टैंडर्ड है, अगर आप इस पर बनाओगे तो इसके अलावा अगर गेम में कोई अपडेट आती है या इससे कोई हैवी गेम आती है जो आप अपने लैपटॉप या PC में चलाना चाहते हो वो भी इजीली चल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने कौन सा सिस्टम तैयार करवाना है, Core i3 तैयार करवाना है, Core i5, Core i7 कौन सा तैयार कराना है। दोस्तों मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपको GTA 5 भी चलेगी, PUBG भी चलेगी। इसके अलावा अगर कोई और न्यू गेम आ जाती है जो इनसे भी हैवी गेम होगी वो भी इजीली चल जाएगी। दोस्तों मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा वो आप Core i5 मिनिमम अपने लैपटॉप को तैयार करवाएं या PC को, Core i5 उसमें CPU होना चाहिए। इसके अलावा आप जनरेशन की अगर बात करोगे, जनरेशन में आपको जो रिकमेंड करूँगा वो 6 मिनिमम होनी चाहिए और 6 से अबव होनी चाहिए, या 6 या 6 से अबव, क्योंकि आपको पता है कि जो GTA 5 है उसमें आपको ग्राफिक काफ़ी ज़्यादा हैवी किस्म के देखने को मिलते हैं। तो इसलिए जो आपको मैं रिकमेंड करूँगा CPU, वो आपको मैं Core i5 7th generation या 6th या 8th generation रिकमेंड करूँगा। अगर आप इससे कम जाओगे जो दोस्तों वहाँ पर गेम चल जाएगी लेकिन वहाँ पर लैग की प्रॉब्लम आएगी, अगर अपडेट आती है तो उसमें अपडेट में भी आपको कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो आपको जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो Core i5 6th generation मिनिमम, या इससे आप ज़्यादा जाना चाहते हैं, अगर आपका बजट है तो आप इससे ज़्यादा चले जाएँ लेकिन इससे कम ना जाए। इसके अलावा दोस्तों अगर हम रैम की बात करते हैं तो रैम मैं आपको जो रिकमेंड करने वाला हूँ वो भी 8 GB रैम जो रिकमेंड करने वाला हूँ, इससे कम में भी चल जाएगी लेकिन मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा वो 8 GB रिकमेंड करूँगा। इसके साथ साथ आपको मैं ये बता दूँ कि DDR4 या DDR5 की तरफ जाएँ, इससे कम ना जाए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि गेम्स जो आजकल आ रही हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा हैवी किस्म की गेम्स आ रही हैं। तो आपको जो मैं रैम रिकमेंड कर रहा हूँ वो 8 GB DDR4 या DDR5 आप के बजट पर डिपेंड करता है कि आप DDR5 की तरफ जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते, अलबत्त DDR4 तक ज़रूर जाएं। दोस्तों अब हम बात करते हैं ग्राफिक कार्ड कौन सा होना चाहिए आप अगर आप जो लैपटॉप तैयार या PC तैयार करवा रहे हो उसके अंदर ग्राफिक कार्ड कौन सा होना चाहिए। इसको लेकर भी लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा टेंशन चलती रहती है कि इंटेल का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, AMD का होना चाहिए या
कौन सा एक ग्राफिक कार्ड होना चाहिए जो हम लैपटॉप या पीसी तैयार करवा रहे हैं। दोस्तों जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो AMD का रिकमेंड करूँगा, क्योंकि अगर आप इंटेल का लेने जाओगे, इंटेल की अगर चाहे परफॉर्मेंस अच्छी होगी AMD की निस्बत, लेकिन आपको जो प्राइस का डिफरेंस देखने को मिलेगा वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। दोस्तों इसलिए मैं जो आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वो 2GB AMD का ग्राफिक कार्ड रिकमेंड कर रहा हूँ। दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी अगर आप 2GB AMD का ग्राफिक कार्ड लगवाते हो। अगर चाहे 1GB में चल जाती है, लेकिन आपको मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ 2GB, क्योंकि यहाँ पर अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हो या कोई और न्यू गेम आ जाती है जो GTA5 या PUBG से भी ज़्यादा हैवी होती है तो वो भी इजीली चल जाएगी। लेकिन अगर आप प्राइस का डिफरेंस देखोगे 1GB और 2GB में थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आएगा। तो इसलिए मैं आपको जो इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि 2GB का ग्राफिक कार्ड अगर आप वीडियो एडिटिंग करोगे या कोई और न्यू गेम आ जाती है, हैवी गेम आ जाती है, वो भी इजीली चल जाएगी। आपके जो लैपटॉप या PC तैयार करवा रहे हो उसमें बड़ी इजीली चल जाएगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं हार्ड डिस्क कौन सी होनी चाहिए, उसकी स्पेस कितनी होनी चाहिए। दोस्तों ये चीज़ मैं आप पर ही छोड़ता हूँ, क्योंकि ये आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपने लैपटॉप या PC में लगवा सकते हो। दोस्तों अगर आप गेम के लिए अपना लैपटॉप या PC तैयार करवा रहे हो, उसमें ये होगा कि आपको स्पेस ज़्यादा रिक्वायर होगी बनिस्बत अगर दूसरा कंप्यूटर आप तैयार करवा रहे हो। क्योंकि दोस्तों आप अगर GTA5 की बात करते हो तो GTA5 के अंदर ही सेटअप जो है GTA5 का वो 60GB का उसका सेटअप है। इसके अलावा अगर आप सेटअप को भी सेव करते हो, उसके अलावा गेम को इंस्टॉल करते हो, तकरीबन आपका 100GB जो है यहीं पर ही वेस्ट हो जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप गेम्स के लिए तैयार करवा रहे हो तो उसमें स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा रखें। दोस्तों अगर आप मुझसे पूछते हो, मैं अगर आपको रिकमेंड करूँ वो ये करूँगा कि मिनिमम अगर आप रखोगे अगर अपनी हार्ड डिस्क की स्पेस को, वो 500GB इसकी स्पेस होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप इसको मैक्सिमम तक लेके जाते हो, मैक्सिमम आप पर डिपेंड करता है आप इसको कितनी लेकर जाते हो, 1TB या 2TB, जितनी भी आप लेके जाना चाहते हो इसको लेके जा सकते हो। लेकिन जो मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ मिनिमम 500 तो लाजमी रखें ना। इसके अलावा अगर आप इसको मैक्सिमम पर लेके जाना चाहते हो, ये आप पर डिपेंड करता है, अपने यूज़ पर डिपेंड करता है आपके कि आप कितनी गेम्स खेलना चाहते हो, उनके सेटअप को भी सेव करना चाहते हो, गेम्स को भी इंस्टॉल करना चाहते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों अगर इसकी हम प्राइस की बात कर लेते हैं, अगर मैं अपनी सिटी के लिहाज से बताऊं कि अगर आप इसको यूज़ में इस PC को तैयार करवाओगे यूज़ में, तो आपको जो तकरीबन ये PC तैयार मिलेगा यूज़ में अगर आप तैयार करवाओगे तो तकरीबन 20,000 से 30,000 की रेंज में ये PC तैयार हो जाएगा। ये आपकी सिटी पर डिपेंड करता है कि आपकी सिटी में यूज़ में लैपटॉप या PC मिलते हैं या नहीं मिलते, या यूज़ में जो चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं या नहीं। उमूमन मिल जाती हैं, तकरीबन हर सिटी के अंदर ही मिल जाती हैं। अगर आप इसको न्यू बाय करोगे तो न्यू में आपको प्राइस जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो मैं आपको जो रिकमेंड करने वाला हूँ यही रिकमेंड करूँगा कि यूज़ में अपना जो PC या लैपटॉप तैयार करवा लें गेमिंग के लिए। अगर आपका बजट है तो आप न्यू ले सकते हो, अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आप यूज़ में तैयार करवा लें, आपका ये 20,000 से 30,000 रुपये की रेंज में ये तैयार हो जाएगा। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करूँगा कि आप सबको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दें। अगर चैनल पर नए हो तो इस बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।